हमारे शास्त्र कहते हैं अन्न वह ब्रह्म, अन्न स्वयं ब्रह्म है और उसमें जो कुछ अन्नत्व है अथवा पौष्टिकता पाचकता है, स्फूर्ति अथवा प्राण सत्ता है, अथवा उसमें जो जीवन रक्षण पोषण की अपूर्व अमूर्त सत्ता है, वो स्वयं भगवान ही है। इसलिए हमारे यहाँ अन्न को परमात्मा का रूप ही कहा गया है। अन्नो ब्रह्म, अन्नो विष्णु, अन्न में शिवत्व है, अन्न में स्वयं पराम्बा की सामर्थ्य समाहित है। हमारे यहाँ तो ऐसा भी कहा गया है कि अन्न न केवल क्षुधा निवृत्ति के लिए है बल्कि वो मन का निर्माण करता है, विचार वृत्ति उससे पैदा होती है, उसी से सदसंकल्प की निर्मिति होती है। इसलिए जैसा अन्न होगा वैसा मन बनेगा और वैसे ही विचार, फिर वैसी प्रकृति और फिर उसी प्रकार की जीवन की गति होगी। इसलिए अन्न के प्रति आदर रहे, वो व्यर्थ न जाए, वो प्रसाद है, इसलिए प्रसाद भाव रहना चाहिए। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते। अगर अन्न के प्रति प्रसाद की भावना रहे, आदर की भावना रहे, तब वह अन्न हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी साधन बन सकता है। शास्त्र तो ऐसा भी कहते हैं कि संतुलित अन्न और मित भोजी आप हैं तब ये अन्न ही औषधि बन जाएगा। अन्न में कोई विकार नहीं है, अन्न में तो जीवन छुपा है, पर अन्न की अधिकता, अन्न की उपेक्षा, उसका अपव्यय, उसके प्रति अवमानना का भाव विकृति भी ला सकता है। इसलिए अन्न को भी, दूसरों को भी पर्याप्त अन्न मिल सके, भोजन मिल सके, इस प्रकार हम अन्न को संभाल कर रखें, क्योंकि भोजन सबको मिलना चाहिए, उस पर सबका अधिकार है। आपके पास अधिक है तो उसे बांटें। महापुरुषों का ऐसा ही कहना है कि वो बटना चाहिए, बंड छक, बांट कर ही उसे ग्रहण करना चाहिए। अन्न पहले दूसरों को मिले, उसके प्रति बटने का भाव रहे तो प्रसाद बन जाता है। इसलिए इस अन्न की पवित्रता के दिवस पर मैं कहना चाहूँगा कि अन्न को औषधि बनाइए, प्रसाद बनाइए, उसके प्रति ईश्वरीय आदर रखते हुए उसे ग्रहण करें, तब वो अन्न कल्याणकारी साधन बन सकता है।